आपको बताएं कि ये सूरत हाल जो है ना ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है और इसका तदारुक करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। शाह साहब कितनी देर चाहिए इनका अगर हंगामी तौर पर अगर चीफ जस्टिस साहब नोटिस लेते हैं कि इनका इनके फौरी तौर पर ट्रीटमेंट की जाए कितनी देर में इन्हें क्योर किया जा सकता है और कितना बड़ा बजट आएगा इन पे कि हुकूमत जो है वो इनका इलाज करवाने से गुरेज पाए। अभी प्रोग्राम में आने से पहले मैं गड़ी शो चौक से होके आया हूँ, गंगाराम चौक से मैं होके आया हूँ, उसके बाद पैनोरामा के मैं मार रोड मैंने खुद आज सर्वे किया है। कम अज़ कम लाहौर में इनकी इस वक्त तादाद कुछ तकरीबन 10,000 से ज़्यादा है, ये जो बागो पार्को मुख्तलिफ चौक 27 प्लेसेस पे बैठे हैं। तो मुझे ये बताया जाए और 20 साल में तो हम कोई अस्पताल नहीं तमीर कर सके, 20 साल में किसी बेड में 10 बेड का इजाफा नहीं कर सके, 20 साल में हम कोई प्लानिंग नहीं ला सके, तो हम किससे इनको क्योर करेंगे? कौन माई का लाल है मुझे बताए, मेरी भी 32 साल इसी फील्ड में का इनको उठा के लेके जाएगा, कहाँ लेके इनको ये उठा के लेके जाएंगे, यहाँ से उठाएंगे दरिया रावी के पार फेंक देंगे जाके शदरा में और कहेंगे जनाब आप उधर रहे लाहौर। और सर इनके लिए एक बहुत बड़े बजट की ज़रूरत है, इनमें आप देखें कितने क्रोनिक एडिक्ट हैं, इनमें 60% 70% क्रोनिक एडिक्ट हैं जो अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांसें ले रहे हैं, इनके अंदर हर वो बीमारी है, हेपेटाइटस HIV एड्स मैं कहता हूँ इवन कैंसर तक है, इनको कोई तो लेने के लिए तैयार नहीं, इसके लिए कोई स्पेशल अगर 100 बेड का हॉस्पिटल बना है ये वो सिचुएशन है जब कैंसर का मरीज बन जाता है ना एक तो हॉस्पिटल में जब जाया जाता है तो डॉक्टर उसे पूछते हैं आपकी पहली स्टेज है या थर्ड स्टेज है, जब थर्ड स्टेज का पता है वो कहते हैं नहीं इसको गाड़ी ले जाएँ, अब ये आखिरी स्टेज के ऊपर है, जब ये पहली स्टेज पे होगा इनिशियल स्टेज पे, अब ये क्रोनिक एडिक्ट है, एक बंदा 10 साल से नशा कर रहा है, इसके बॉडी के ऊपर कपड़े देखे किसी ने तब्दील नहीं किए, ये पता नहीं 4-4 महीनों से नहाए नहीं है, इनकी हालत देखे यहीं सोते हैं यहीं मांगते हैं यहीं खाते हैं। सर खुदा के लिए उस वक्त से डरे, चीफ जस्टिस साहब ने बड़ा अच्छा किया 100 वोटों लिया, मैं बार बार कहता हूँ उन लोगों को कमेटी में रखें, ये बड़ा सेंसिटिव इशू है, ये नहीं है कि 100 वोटों लेके और उसके बाद इसके तदारक के लिए, अगर आप तदारक नहीं करेंगे तो मेरी आज भी प्रिडिक्शन है बीइंग एज एक्सपर्ट 5 साल के अंदर, जिस तरह मैंने पहले कहा था ना लाहौर के जो कमिश्नर पहले थे उन्होंने डिप्टी कमिश्नर थे उन्होंने मुझे कहा कमिश्नर साहब कहते हैं आप रिपोर्ट बना के दें कि ऑरेंज ट्रेन जो चल रही है उसके नीचे ड्रग एडिक्ट कोई ना हो, मैंने जो रिपोर्ट बना के दी उसमें फैक्ट्स फाइंडिंग और चैलेंजेस थे, मैंने कहा मुल्तान रोड से लेकर सलामतपुरा चौक तक सिर्फ आप रेलवे ट्रैक को 2 किलोमीटर को छोड़ दें बाकी सारे नशेई होंगे, इस जगह पे आप ही बताएं मैंने आपके साथ कितने प्रोग्राम किए इस जगह पे, क्या उसके बाद कोई तब्दीली आई है? तब्दीली ये आई है कि जिसको दोबारा देखते हैं उसकी स्वेलिंग इतनी बड़ी होती है वो मौत के करीब होता है, इन्हीं से पूछे रोजाना कितने लोग यहाँ से मरते हैं, कितने रोज एक दो लाजमन मरते हैं। मसला ये है कि आप कैटेगरी करें कि कौन से कैटेगराइज कर लें इन लोगों को कि सबसे ज़्यादा कसूर किसका है, सबसे ज़्यादा कसूर उसका है जहां से ये नशा मिलता है, अब महकमा से सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है क्योंकि इंजेक्शन का नशा ज़्यादा हो रहा है वो मेडिकल स्टोर से मिल रहा है, सेकंड पुलिस है, आप पुलिस को पहले नंबर पे ला रहे हैं, सेकंड पे पुलिस को ले गए हैं क्योंकि मेडिकल स्टोर से पुलिस ने नहीं रोकना जाके, मेडिकल स्टोर से महकमा सेहत ने रोकना है, सबसे ज़्यादा जो नशा हो रहा है वो इंजेक्शन का है। आप दिखा सकते हैं यहाँ, आप दिखा सकते हैं खवातीन की भी तादाद है, खवातीन की जो फुटेज है हम कोशिश करेंगे कि उसे ब्लर करके दिखाएं, जब प्रोग्राम हम करते थे नहीं पहले नहीं किस तरह कितने प्रोग्राम पिछले किए उसमें कितनी खवातीन नजर आई हैं, तो ये हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है और हमें भी देखे कई औरतें चली जाती है कि मीडिया वाले आगे बाहर लोग आगे जो रिकॉर्ड कर रहे हैं प्रोग्राम, तो इसके लिए हमें वाकई सीरियस सोचना होगा और अच्छे तरीके से अच्छी मनसूबाबंदी करनी होगी कि आने वाले लोगों को, ये तो फास साहब वो लोग हैं जो सड़कों में पड़े हैं और जो तालीमी इदारों के अंदर हॉस्टल में उनकी एक और तादाद है। देखें एक एंटी क्वैकरी कैंपेन चलाई गई है शहर में और बड़ा फ़र्क पड़ा है अताइयों पे, बहुत सारे अताई कम भी हुए हैं, ये इनको नशा बेचने वाले भी अताई हैं और मुख्तलि मेडिकल स्टोर्स हैं उनको भी बंद होना चाहिए, एक अताइयों का फैक्टर कम हो रहा है और आहिस्ता आहिस्ता अगर हम मजीद लगे रहेंगे जिस तरह इसकी भी एक कैंपेन बननी चाहिए जिसमें मुख्तलिफ कम्यूनिटी ऑर्गनाइजेशन भी हों गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स भी हों, एक मंथली मीटिंग हुआ करे सिविल सेक्रेटेरिएट में जिसमें मुख्तलिफ चीज़ों की इम्प्लीमेंटेशन को देखा जाए तभी ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये खाली पॉलिसीज बनाने से या रिपोर्टें बनाने से मेरा ख्याल है कि मसला हल नहीं होगा और इसके लिए मेरा ख्याल है कि अभी तक तो कोई गवर्नमेंट के जितने इदारे हैं वो भी सारे एक पेज पे नहीं है, कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं एग्जिस्ट करता, कोई कुछ नहीं कर रहा, मतलब आपके सामने ही है सारी चीज़ें, हमने तो अगर एंटी क्वैकरी पे हमने काम किया तो पूरे 9 डिवीजन्स के 9 ग्रुप्स हैं उनमें कमिश्नर्स हैं DCs हैं पुलिस के लोग हैं वो हमें सपोर्ट भी कर रहे हैं, ऊपर से सुप्रीम कोर्ट भी सपोर्ट कर रही है, सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक इसके ऊपर एक मीटिंग की है, वो 100 बेड्स का एक हॉस्पिटल जो मेंटल हॉस्पिटल में नया बन रहा है एडिक्ट्स के लिए उसको फंक्शनल करने के लिए कुछ एकदम आज चीफ सेक्रेटरी उठा रहे हैं,
मगर इसको हल तभी किया जा सकेगा जब इसको एक पब्लिक कैंपेन बनाया जाए जिसमें आप लोगों का भी रोल हो, मुख्तलिफ कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस का भी रोल हो और फिर इनकी फैमिलीज़ को भी अप्रोच किया जाए, क्योंकि इनकी फैमिलीज़ की इन्वॉल्वमेंट के बगैर और इनके ख़ानदानों को साथ इनके साथ रिहेबिलिटेशन में उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि ये जब भी छुट के आएंगे बाहर इलाज करा के इन्होंने फिर इधर ही लेटना है क्योंकि इन्होंने घर जाना नहीं है, तो वो फिर बार 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 यही सर्कल चलता रहेगा जब तक इनके पूरे ख़ानदानों को एक सॉफ्टवेयर बनाया जाए जिसके अंदर एक तमाम अद्वियात जो ख़रीदी जाती हैं या बिक रही हैं मेडिकल स्टोरों से उस पर डॉक्टर के लाइसेंस के अगेंस्ट एंट्री हो, ताकि आपको भी पता लग सके कि अगर 100 टीके नेलबिन के या किसी और नशावर इंजेक्शन बिका है तो किसने बेचा है और क्यों बिक रहा है, तो सारों की अकाउंटेबिलिटी हो जाएगी आईटी के इस्तेमाल से और साथ साथ इनकी रिहेबिलिटेशन पे काम किया जाए। हेल्थ डिपार्टमेंट एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर एक रोड को ले, वहाँ जितनी मेडिकल स्टोर है उनके लिए पाबंदी कर दे कि आप कोई मेडिसिन विदाउट डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बगैर नहीं बेचेंगे, जनरल जो आप बेचना चाहते हैं वो बेचें। एक मिनट, क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं यही कहना चाह रहा हूँ, ये गंगाराम से मिलते हैं, ये एक इंजेक्शन होते हैं, ठीक है, जो मेडिकल स्टोर हैं गंगाराम के, ये कहते हैं ठीक है वहीं से बिक रहे हैं। हमें एक एसपी ने भी सिटी के कहा था पहले और एक एसपी सिविल लाइंस ने भी कहा कि गंगाराम के सामने मेडिकल स्टोर है, वहाँ के ड्रग इंस्पेक्टर की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। अगर उनको, अगर हमें पता है, इनको पता है, सबको पता है, इनको पता है, तो ये उसको क्यों नहीं पता कि वहाँ से बिक रहे हैं? वहाँ से मिलते हैं वो, इतने इतने होते हैं, इंजेक्शन होते हैं, ठीक है, 180 के भी वो देते हैं, पानी वाले होते हैं, वो ही नशेई लगाते हैं, जौन सा ऊपर से उधर से मेडिसिन कुछ ऐसी मिलती है, वो जौन सा भी खाता है ना वो ही डेड हो जाता है। इधर 2-3 लड़के थे, उन्होंने वो मेडिसिन खाई है। मेडिसिन का नाम पता है कुछ? नहीं, नाम का नहीं पता, ले आता स्टोर का नाम पता नहीं उनका, ये गंगाराम के लैंड पे जौन से मेडिकल स्टोर नहीं, उनसे ही मिलती है, उनसे ही वो लेते हैं, वो बताते हैं। 10 दिन पहले टीम ने कार्रवाई की, 10 दिन पहले टीम ने कार्रवाई की, 28,000 इंजेक्शन लाहौर के 3 अड्डों से पकड़ा एक रात के अंदर। आप बताएंगे वो जो कंपनी मुतलका ये इंजेक्शन बनाती थी वो 3 साल पहले ये इंजेक्शन बंद कर चुकी है और 120 रुपए का ये इंजेक्शन जाली बनाया जाता है फैक्ट्रियों के अंदर, फैक्ट्री का सामान पकड़ा। अगर एक दिन में रात में 10,000 इंजेक्शन पकड़ा गया 28,000, तो इसका मतलब इन पर कोई असर नहीं पड़ा, वो कहाँ जा रहा था, इनको कोई शॉर्टेज नहीं हुई। इसका मतलब है कि इतने बड़े पैमाने पे ये इंजेक्शन और नशा बन रहा है कि 10-20-30,000 इंजेक्शन अगर रोजाना पकड़ लिया जाए तो इनको फर्क ही नहीं पड़ेगा। इसका मतलब कि बहुत सारे ऐसे अड्डे हैं जहाँ पे ये इंजेक्शन बनाया जाता है, और जितने भी ये 3 अड्डे पकड़े ना रातों रात लाहौर में, सारे अनपढ़ लोग थे और मेडिकल स्टोरों से उनका तलग था। क्राइम रिपोर्टर है मुदस्सर, कुछ कहना चाह रहे हैं? मुदस्सर भाई, मैं इस हवाले से, ये जो नशेई हैं, ये जो बंदे यहाँ पे पड़े हुए, इस हवाले से मेरी एसपी सिविल लाइन और एसपी सिटी से बात हुई, मैंने कहा इनका क्या हल है, उसने कहा कि ये ड्रग इंस्पेक्टर का है कि वो जो ड्रग इंस्पेक्टर वो इनको पकड़े, हम उनके साथ हैं, पुलिस वाले इसमें कोई किरदार नहीं है, ये पुलिस वाला जो नशा है, जो चर्स है या बाकी जो नशे हैं वो इसमें नहीं आते, ये जो ड्रग इंस्पेक्टर के जो नशे हैं इंजेक्शन वगैरह ये मेडिकल स्टोरों से खरीदते हैं। ये ठीक है आपकी बात, लेकिन आप पुलिस को कवर ना करें। देखिए जब इधर एक रिक्शा आगे रुकता है 200 बंदा उसकी तरफ भाग के जाता है, तो एक पुलिस वाला सिविल में उधर क्यों नहीं बैठा होता? वो तो ठीक बात, ये कौन देने आता है? मैं कुछ और कह रहे हैं कि इनको क्योर करना या थानों में बंद करना पुलिस का काम है, वो कह रहे हैं, पुलिस वाले कह रहे हैं कि हम इनको थाने के बंद करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आगे जेल में जिस भी बंदे से पूछा है। अच्छा देखें, एक मिनट जरा देखें, पुलिस को पता है? जी जी पता है, पुलिस को पता है। नहीं, पुलिस कौन भेजता है, क्या भेजता है, कैसे भेजता है? मुझे पता है। क्या कह रहे हैं मदरसर साहब, हमारे सीनियर क्राइम रिपोर्टर, अब ये बताएंगे आपको कि कौन कौन से पुलिस ऑफिसर इसमें शामिल हैं, इनको बकायदा नामों का भी पता है? जी बताएं आप। ये मैं आपको बताता हूँ, इसमें जो है ना MPS भी शामिल है, ये ड्रग्स मनशियात फरोशी में बड़े बड़े डीलर शामिल हैं, जो ग्वाल मंडी जो मनशियात आती है वो मनों के हिसाब से आती है, उसके बाद ये पूरे शहर में डिस्ट्रीब्यूट होती है, पुलिस वाले बेबस हैं उनको पकड़ने में। ऐसा जो कहता है हमें मंथली लेने के अलावा कोई हल नहीं है, अगर हम मंथली नहीं लेते तो हमारे अगले दिन ट्रांसफर हो जाता है। अभी नई हुकूमत आई है, इनको देखें कहाँ तक जाती है, आप जरा तफसील से बताएं। आप क्राइम रिपोर्टर हैं, मसलन DIG, IG, उससे नीचे SP, ASP जो नौजवान माशाल्लाह आए हैं पढ़े लिखे पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू इम्तिहान पास करके, आप क्राइम रिपोर्टिंग में तो नहीं जाना चाह रहे? यार मैं समझता हूँ कि पुलिस जरा तो निगरानी करे ना, एक कांस्टेबल भेज दे इधर 24 घंटे के लिए, सारी रिपोर्ट मिल जाएगी, रक्षा नंबर क्या था, और भेजने भी कोई नहीं आएगा। अभी मैं कहता हूँ पुलिस के लिए, आपको याद हो लाहौर में टाइनो सीरप का वाकया हुआ था शहदारा में, और उसके बाद गुजरावाले में वो रिपोर्ट मैंने खुद तैयार की थी, 28 पीपल शदरा में और 79 जो गुजरावाले में,
उसके लिए ये है कि जो इंजेक्शन बनाने वाली कंपनी ये जो यूज करते हैं एवल इंजेक्शन या दूसरे, उसकी कंपनी के साथ एग्रीमेंट नेगोशिएशन की जाए, भाई हमें ये बताया जाए कि आपके जो इंजेक्शन किस किस इलाके में कितने जा रहे हैं। क्या मसलन फॉर एग्जाम्पल गंगाराम के एरिया में, गंगाराम में हॉस्पिटल आपके 10,000 इंजेक्शन एक हफ्ते में गए हैं, क्या वो 10,000 इंजेक्शन उस हॉस्पिटल में लगे हैं या उस दुकानों में मुख्तलिफ जाके सेल हुए हैं? ये आसान काम है, कोई मुश्किल काम नहीं है। मैं बड़ी अहम बात करने लगा हूँ, हेल्थ रिपोर्टर हूँ महकमे का, तो मैं बता रहा हूँ कि कौन कौन जिम्मेदार है, तो मुदस्सर साहब भी बताएं कि कौन कौन जिम्मेदार है, कौन कौन जिम्मेदार। कहता हूँ कोई ड्रग इंस्पेक्टर नहीं बचा। जो ड्रग इंस्पेक्टर सख्ती करता है ना, उसका एरिया से मेडिकल स्टोर चेंज हो जाता है, वो कहते हैं हमारी डील होगी, आप शिदरे ले। मिनिस्टर के तब्दील होने से फर्क पड़ना चाहिए सर, फर्क पड़ना चाहिए, बहुत पड़ेगा, बहुत पड़ेगा फर्क। मेरा ये ख्याल है कि पड़ेगा। वो ये इनकी बात ठीक है, जो ड्रग इंस्पेक्टरों वाली ये कर रहे हैं, वो पहले एक माफिया चल रहा था। मेरी बात मसला यही बात की कि जब से ऊपर से ले नीचे से लेके ऊपर तक ठीक नहीं होगा तब तक ये काम होता रहेगा, सीधी सी बात है। मैं कहूँ इन्होंने बात की टैनो जो सिरप है, टैनो सिरप की एक एडिशनल हाइजीनिक रिपोर्ट बनाई, उसमें जितने भी फार्मास्यूटिकल कंपनी के जो मालिकान थे ना, जब रिपोर्ट बनी कि ये जो टैनो सिरप है इंडिया से इम्पोर्ट होकर आता है, उन्होंने कह दिया हम बिल्कुल केमिकल। उन्होंने कहा कि इन फार्मास्यूटिकल के खिलाफ रिपोर्ट बनी, ठीक है। जब रिपोर्ट बनी तो ये सारे जो फार्मास्यूटिकल कंपनी के बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, ये चले गए मिनिस्टर के पास, मिनिस्टर सेहत के पास, जो सबका मिनिस्टर सेहत था, उसे जाके कहा कि अगर आपने हमारी ये बंद करवाने की कोशिश की तो हमारा बहुत सा बिजनेस फ्लॉप हो जाएगा, हम इत्तेजाज करेंगे, आपको वोट भी नहीं देंगे। उसके बाद वो मिनिस्टर भी बेबस हो गया, वो आईजी के पास गया और वो रिपोर्ट पब्लिश नहीं होने दी और मीडिया भी नहीं आने दी। ये एक बात है। और ये वो टैनो सिरप इतना बड़ा स्कैंडल, आप दिखा सकते हैं, थोड़ा क्लोज जाके दिखाइए, आपको पता चले किस तरह से ये लोग जिंदा लाशें बने पड़े हैं। उससे हलाकती हुई थी। ये मैं आपको बताऊं, जब तक हुकूमत इस पे स्टैंड नहीं लेगी, अपने पांव पे खड़े नहीं होगी, अक्रॉस द बोर्ड जब तक नहीं होगा तब तक ये नशा हर जगह बिकता रहेगा, कोई उसको रोकने वाला नहीं है। पुलिस वाले इसको नहीं रोक सकते, मुझे पता है पुलिस वाले बेबस हैं, वो खुद कहते हैं बेबस हैं। जब तक हमें उनको फ्री हैंड नहीं दिया जाता ऊपर से नीचे तक, तब उसको नहीं रोक सकते। ठीक है, वो मंथियाँ लेते हैं और कह रहे हैं कि ठीक है हम जो व्यक्ति गंगा में हम भी हाथ धो रहे हैं, जहाँ पे सारे ले रहे हैं हम भी ले रहे हैं। जब तक आप पुलिस को, बाकी जो हैं ड्रग इंस्पेक्टर हैं, उनको आप ऊपर से नीचे तक जो करप्ट है ना लोग, मसलन कुछ करप्ट इंस्पेक्टर्स हैं जो पैसे लेते हैं, उनका पुलिस वालों को भी पता है, पुलिस अफसरान को भी पता है, उनकी लिस्टें बन रही हैं। क्या बनता है जो करप्शन का है, चाहे वो पुलिस वाला ले, चाहे वो ड्रग इंस्पेक्टर ले, चाहे कोई और ले, और भाई उनकी औलादों को जाके देखे, वक्ती तौर पे बड़ी हैप्पीनेस होती है, यार मेरे पास पैसे आ गए हजारों। अल्लाह ताला किसी ना अल्लाह ताला के मुकाफात अमल है, इस दुनिया में सबको सारा कुछ दे देता है अगर वो इंसान वो समझे। वक्ती तौर पर ठीक है, ये देखे हर जो अडिक्ट है वो यही कहता है जी फलाह के बंदे बेचते हैं, यार उनकी भी तो औलाद है ना, वो पैसे घर लेके जाते हैं ना, उनको भी खिलाते हैं। एक वक्त आता है कि वो खुद महसूस करते हैं यार मुझसे क्या गलती हो गई है जिसकी वजह से आज मेरे औलाद के आगे ये चीज़ें आई हैं। अल्लाह ताला यही सब कुछ दे, हमें सबको मिलकर इस मसले के हल को तलाश करना है, चाहे वो मीडिया हो, सिविल सोसाइटी के लोग हो, गवर्नमेंट के दायरे हो, सबको मिलकर, ये एक बहुत बड़ा इशू है। हम अपना रोल अदा कर रहे हैं, हमारा मेरे ख्याल में ये पता नहीं सातवां आठवां प्रोग्राम होगा, बताएं जी कितना, ये 49 तो पहले मैंने कहा था, ये इस जगह पे सातवां आठवां प्रोग्राम है। बाकी और लाहौर में ओवरऑल देखा जाए तो हम तो पता नहीं कितने प्रोग्राम कर चुके हैं, मेरे को 100 के करीब होने वाले हैं, तो उससे भी ज़्यादा। तो ये हम अपना रोल तो अदा कर रहे हैं, लेकिन जो बाकी इदारे हैं उनको भी होश के नाखन लेने चाहिए, उन्हें भी देखना चाहिए कि ये जो नशाई हैं, जो नशावर अद्वियात लेते हैं या इंजेक्शन लगाते हैं। मैं फर भाई रोजाना जब IG ऑफिस जाता हूँ ना, यहाँ से गुजरता हूँ तो मुझे बड़ा दुख होता है कि कोई यार इनका कोई वाली वर्ष नहीं है, कोई इनको उठाने वाला नहीं है। जब किसी महकमे से बात करते हैं कह रहे हैं कि हमारे पास कोई इख्तियार ही नहीं है इनको उठाने का, कह रहे हैं कि हम इनको पकड़ते हैं जेल में लेके जाते हैं। जेल वाले कहते हैं कि ये तो एड्स के मरीज़ हैं, ये तो बाकी जो कैदी हैं उनको भी बीमार करेंगे, इनका इलाज हमारे पास पैसे नहीं है इनका इलाज करने के लिए। जब तक रिहेबिलिटेशन अदारा कोई नहीं बनता, गवर्नमेंट तवज्जो नहीं देती, तब तक ये हालात ऐसे ही रहेंगे, तब तक ये बिल्कुल ठीक नहीं होते। आदमी साहब मुझे ये बताइए कि रिहेबिलिटेशन सेंटर बनाना कितना बड़ा टास्क है और कितना बड़ा मुश्किल है, और इनका अगर इलाज करवाया जाए हंगामी बुनियादों पे तो कितना खतीर अमाउंट चाहिए, बहुत बड़ा बजट चाहिए? सर कोई बजट नहीं चाहिए, हर टीचिंग हॉस्पिटल के अंदर PMDC का कानून है, शाह साहब मौजूद हैं, साइकाइट्रिस्ट वार्ड होती है, उस वो जो नफसियाती मरीजों का इलाज करती वही नशे का इलाज करती है, उसके बेड में इजाफा कर दें। अब स्कैटिस वार्ड जो हैं टीचिंग अस्पतालों के अंदर वो होने जरूरी हैं, अगर नहीं होगी तो PMDC उस अभी तो नहीं है, अभी कितने हैं सर? हैं हर एक में हैं, लेकिन कम से 15 बेड हैं, अगर बेड में इजाफा करना अस्पताल में 10 से 12 होने चाहिए कि ऐसे मरीज हमारे जैसे जाएं ड्रिंकिंग इस्तेमाल करने वाले, तो उनको टीका लगाया जाए, सुबह को
ऐसा ही है, या पुलिस वालों से मरवाएंगे आप लोग, या इनसे गोली मरवाएंगे, डॉक्टर से टीका लगवाएंगे। और हमारा इलाज कोई करने वाला नहीं है, चाहे वो नैब आ जाए, चाहे आर्मी आ जाए, चाहे डॉक्टर आ जाए, कोई भी हमारा सोचने वाला कोई नहीं है। यहाँ वकील करने वाले आते हैं, यहाँ पुलिस वाले करते हैं, कि कौन सा महकमा जो नशा नहीं करता, अगर वो गलती कर बैठा है, नफ्सियाती नशा है, चमचियों से नहीं खाते, प्लेटों में नहीं खाते, इतना सा सुबह से लेकर शाम तक घर था, शाम को 500 लिया। एक इधर सुबह सुबह पुलिस वाला आता है, वर्दी में आता है, ठीक है, वो खुद स्नेके लगाता है, सूंघता है, सिगरेट में पीता है वो, ठीक है, कई पुलिस वाले हैं, कई लगाते हैं, न्यूज वाले लगाते हैं, मैं पकड़वाता हूँ। और टीचिंग हॉस्पिटल के अंदर सबसे ज्यादा डेथ चेक होना चाहिए, डेथ जैक्शन होना चाहिए। चीफ जस्टिस साहब की जानिब से आज खुद नोटिस लिया गया, और उस आज खुद नोटिस में अगर इन लोगों की सेहत को भी रखा जाएगा, और इन अफराद की लाहौर के 27 मुकामात पर इन अफराद की बहुत बड़ी तादाद है जो जिंदगी और मौत की कश्मकश से लड़ रहे हैं, जिनका किसी तरह का कोई इलाज नहीं हो रहा, और ना कोई सरकारी हॉस्पिटल मौजूद है जो इनका इलाज कर सके। अगर मोहतरम सीजे साहब जो है, चीफ जस्टिस साहब, मियाँ साकिब निसार साहब, वो इनकी हेल्थ का, इनकी तंदुरुस्ती का भी नोटिस लेंगे और इनको फाल शहरी बनाने के लिए अपना जो है वो ऑर्डर जारी करेंगे, तो महकमा हेल्थ और नारकोटिक्स जो है वो दिन रात लगाकर इनकी सेहत को वापस ला सकते हैं, और इनकी तंदुरुस्ती जो है उसे बहाल भी किया जा सकता है, और मनशियात के आदि अफराद जो हैं उनमें से बहुत सारों को बचाया भी जा सकता है। अदरवाइज ये आप देखेंगे कि कुछ हफ्तों में जिन करेक्टर्स के साथ हमने बात की, जब दोबारा इधर प्रोग्राम करने आएंगे तो ये जी नहीं सकेंगे, ये मर चुके होंगे, और इसकी जिम्मेदार जो है वो हेल्थ मिनिस्ट्री भी होगी, एंटी नारकोटिक्स भी होंगे, जनाब बुजदार साहब भी होंगे, और हाकिम वक्त भी इसका जिम्मेदार होगा। लिहाजा चीफ जस्टिस साहब से दस्त बस्ता गुजारिश है कि जो उन्होंने तालीमी इदारों का नोटिस लिया है उसमें एमरजेंसी नाफिज करते हुए इनकी सेहत को बहाल करने के लिए, क्योर करने के लिए इनको फौरी तौर पर हॉस्पिटल्स में एडमिट किया जाए, और महकमा हेल्थ को डायरेक्शंस दी जाएं, उनको हुक्म दिया जाए कि इनको फौरी तौर पर इनकी तंदुरुस्ती के लिए काविशें की जा सके, ताकि बहुत सारे लोगों को इनमें से बचाया जा सके। लाहौर के 27 मुकामात पर इन अफराद की तादाद जो मनशियात के आदि हैं हजारों की तादाद है। फाज शहबाज खान को लक्ष्मी से इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के पान।